धन्यवाद उपसभापति जी। यह जो बिल आया है उसमें कुडू कुर्बा तो पहले ही जो सीरियल नंबर 16 पे था और बेटा कुर्बा यह जो बेसिकली मैसूर, चामराजनगर और कडकू इन जिलों में विशेष रूप से एक ही तरीके के उसी से मिलते जुलते उसके भाई हैं, उसको भी जोड़ने का काम किया है। और यह जो कर्नाटक सरकार ने पहले असेंबली में इसको पास किया, उसके बाद माननीय मंत्री जी ने लोकसभा में इसको रख करके सदन के माध्यम से पास हुआ और अभी राज्यसभा में ये चर्चा के लिए आया है। इसका मैं समर्थन करता हूँ। उपसभापति महोदय, कर्नाटक में जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनका बहुत बड़ा कर्नाटक के प्रगति में उनका योगदान है और देश की आज़ादी में भी कर्नाटक के जो आदिवासी समाज के महापुरुष हैं उनकी भी गाथाएं पूरे कर्नाटक में गाई जाती है, चाहे मदकरी नायक चित्रदुर्गा के हो, चाहे वीर सुंदर लक्ष्मण बागलकोट के हो, चाहे शिवप्पा नायक शिवमोगा के हो, चाहे मारा नायक मैसूर रीजन के हो, चाहे राजा वेंकटप्पा सुरपुर के हो। इनकी जो स्वतंत्रता संग्राम के समय इन्होंने लड़ाई लड़ी देश को आज़ादी दिलाने के लिए, सभी कर्नाटक के जनता नहीं पूरे देश के लोग आज इनको याद करते हैं और इन्हीं के बदौलत आज भारत स्वतंत्र है और सबसे बड़ा योगदान आदिवासी समाज का ही रहा है। कर्नाटक सरकार के पहले प्रपोजल पे जो हमारी सरकार थी, जो तीन प्रकार के एसटी समाज के लोग थे जिसमें सिद्धि परिवार और तलवार, ये तीनों को पहले एसटी का दर्जा मिल चुका है। यह भी हमारे सरकार के प्रयासों के द्वारा ही हुआ। यह कर्नाटक में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसी सरकार ने, जब येदियुरप्पा जी थे तो महर्षि वाल्मीकि जो आदिवासी समाज से आते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से अगर पूरे प्रदेश में छुट्टी की घोषणा करने का काम किया तो हमारी सरकार ने ही उसमें छुट्टी की घोषणा करने का काम किया, स्टेट हॉलीडे। उसी प्रकार से वाल्मीकि भवन का, जब वह हमारी सरकार थी, जब उस समय येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री थे उस समय वाल्मीकि भवन भी बना और अब जो हमारी सरकार है उसके माध्यम से जो आज के मुख्यमंत्री हैं उनके प्रयासों से आज जो आदिवासी समाज के लिए एक सेपरेट मंत्रालय, देश की आज़ादी के बाद 6 दशक से अधिक कांग्रेस ने शासन किया, कर्नाटक में भी 5 दशक से अधिक कर्नाटक में कांग्रेस के शासन का सत्ता रहा, लेकिन उन्होंने कभी आदिवासियों का मंत्रालय नहीं बनाया कर्नाटक में। कर्नाटक में आदिवासियों के लिए मंत्रालय बनाने का काम कोई किया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अभी घोषणा हुई है उससे प्रेम मंत्रालय बना है। और वाल्मीकि समाज के लिए वहां पे डेवलपमेंट बोर्ड भी बना है। और तो और मैं बताना चाहूंगा कि वहां के पूर्व मुख्यमंत्री इस प्रकार का वक्तव्य देते हैं, आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेता वहां के जो वहां मंत्री भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, अभी 1 महीने पहले इस प्रकार का वक्तव्य देना, पेद्दा पेद्दा मतलब मूर्ख, इस प्रकार मूर्ख अनपढ़, इस प्रकार के बात वो करते किया उन्होंने, पूरा कर्नाटक में इसको अपमान सहा। अगर किसी आदिवासी मंत्री के बारे में इस प्रकार के वहां के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के उन्होंने सरेआम पब्लिकली उन्होंने इस प्रकार का अपमान करने वाली बात कही। और दूसरी तरफ हमारी सरकार वहां पे है आदिवासियों के आरक्षण के लिए कि आदिवासियों का आरक्षण बढ़ना चाहिए, और अभी पिछले महीने यह निर्णय लिया कैबिनेट में, पहले हमारे कोर कमेटी में निर्णय हुआ, फिर कैबिनेट में इसकी चर्चा हुई कि आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाना चाहिए और पूरी कैबिनेट ने सर्वसम्मति से जो कर्नाटक में आदिवासियों का 3% रिजर्वेशन था उसको 3 से 7% करने का काम अभी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अभी अधिवेशन चल रहा है असेंबली का, उस अधिवेशन में भी आदिवासियों को 7% रिजर्वेशन देने का वह दर्जा वहां पे प्राप्त हो जाएगा। यह इसलिए है कि हमारी सोच में, हमारी नीतियां में सबसे पहले कोई आता है तो आदिवासियों का कल्याण ही आता है।
अलग अलग प्रकार से, चाहे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात हो, वहां पे 2 लाख से ऊपर केवल कर्नाटक के माध्यम से, कर्नाटक सरकार के माध्यम से आदिवासियों के बच्चों को स्कॉलरशिप देने का काम हुआ, और उसी प्रकार पोस्ट मैट्रिक में 3,58,000 लोगों को लाभ देने का काम हुआ, और फेलोशिप उसमें भी 37 करोड़ रुपए खर्च करके उनको लाभ देने का काम हुआ। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लगातार आदिवासी जो हमारे समाज है, जनजाति समाज है, उनका किस प्रकार से विकास हो, केवल कर्नाटक का में ही, क्योंकि कर्नाटक से संबंधित बिल है, तो 12 एकलव्य विद्यालय जो है, रेजिडेंशियल विद्यालय जिसमें अच्छी तरीके से रह सकते हैं, सारी सुख सुविधाओं के साथ 12 एकलव्य विद्यालय रेजिडेंशियल खोलने का काम हमारी सरकार के द्वारा वहां पे हुआ है। मानव, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आदिवासी समाज के लिए जब 1999 में अटल जी ने जब देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने सेपरेट मंत्रालय बनाने का काम किया, और आज मोदी जी के प्रेरणा से, जैसा मैंने कहा कि कर्नाटक सरकार में भी वहां पे भी आदिवासी का अलग से मंत्रालय बनाया गया। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की आजादी के बाद अगर 8 अगर मंत्री हैं, तो एसटी समुदाय के मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। नॉर्थ ईस्ट में किस प्रकार से विकास हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सबसे अधिक आदिवासी रहते हैं, डोनर मंत्रालय भी बनाने का काम किया, और भगवान बिरसा मुंडा जो धरती पुत्र जिनको हम लोग कहते हैं, यह धरती दाता है, यह भगवान के स्वरूप है, इसलिए उनका भी अगर गौरव दिवस की घोषणा करने का काम हुआ, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पहले जब पद्मश्री या पद्म अवार्ड ऐसे मिलते थे, तो आदिवासी के लोग बहुत दूर दराज होते थे, उनको बहुत कम मिलता था। यह मोदी सरकार है जो हमारे जनजाति समाज के लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा काम किया है, उनको ढूंढ ढूंढ करके, उनका नाम चयन करके अगर उनको पद्मश्री देने का काम करते हैं, तो यह मोदी सरकार है। उनको अभी राष्ट्रपति जी के लिए तो बारे में सब लोगों ने बता ही दिया। मान्यवर, मैं यह आपको बताना चाहूंगा कि हमको ध्यान है कि प्रधानमंत्री जी पिछले 1-1.5 महीने पहले मानगढ़ धाम गए थे, और मानगढ़ धाम में जब वह गए, वह प्रेरणा का स्थल है। 1500 से लोग अधिक मानगढ़ धाम में उसमें देश की आजादी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, 1500 लोगों की हत्याएं हुई, और उसमें बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी, सरेआम अंग्रेजों ने उनको गोलियों से भून दिया। ऐसे आदिवासी समाज को, जनजाति समाज को हम कैसे भूल सकते हैं। जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने सड़क भी बनवाने का काम किया, वहां पे कई बिल्डिंगें भी बनी। अभी कई राज्य के उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है और महाराष्ट्र है, यह राज्य मिलकर के एक वहां पे जो किस प्रकार से वहां विकास और हो सके, क्योंकि पूरे देश भर के लोग मानगढ़ धाम जाना चाहते हैं, वहां से प्रेरणा ले, देश की एकता अखंडता के लिए प्रेरणा का स्थल बने। उन्होंने कहा यह राज्य मिलकर के एक योजना बनाए, और इस योजना के बाद जितना भी पैसा लगेगा केंद्र सरकार देगी, और उसको भव्य तरीके से वह प्रेरणा स्थल बनेगा, यह प्रधानमंत्री जी ने अभी घोषणा की है। इसलिए आज आदिवासी समाज मोदी जी के साथ खड़ा है, और कोई भी स्कीम हो, चाहे नल से जल की स्कीम हो, अगर देखें तो दूर दराज के क्षेत्रों में अगर पानी पीने की दिक्कत होती थी, कहां से पानी ले आए, तो जंगलों में, तो आदिवासी हमारे करोड़ीलाल जी, मीना जी बैठे हुए हैं, सब जानते हैं, दूर दराज जंगलों से ले आने का काम, वहां तो न कुआं था, न पीने का पानी की व्यवस्था थी, तो उन्होंने सोचा कि सब नल से जल की योजना शुरू किया जाए। यह 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई कि आदिवासी समाज जो किनारे रहता जनजाति समाज, उसको पीने का पानी मिलना चाहिए, और धीरे 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 8 करोड़ से अधिक नल से जल पहुंच चुका है। उसमें सबसे अधिक कष्ट जो है दूर करने का काम
वह आदिवासी को जनजाति को होता था, वह मोदी जी ने इस संदर्भ में काम किया है। इसके साथ उनके जो लकड़ियों लकड़ी काट के आते थे, लकड़ी के माध्यम से खाना बनाने का काम करते थे, उसे महिलाओं को कितनी परेशानी होती थी, 200 सिगरेट के बराबर एक धुआं उनके शरीर के अंदर जाता था। अब लकड़ी काट के ले आती थी तो लकड़ी कभी गीली भी होती थी, लेकिन घर के लोगों को खाना बनाने के लिए वह लकड़ी को सुखाती थी, फिर उसके बाद किसी तरीके से भोजन देती थी। प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला की शुरुआत किया और उज्ज्वला के शुरुआत के माध्यम से आज आदिवासी समाज के अधिकांश लोगों के पास उज्ज्वला का गैस कनेक्शन है। और इसी के साथ साथ जो उनके प्रोडक्ट है, महुआ हुआ और जो फॉरेस्ट के आइटम है, उन शहद है, महुआ है इत्यादि को आज MSP देने का काम, MSP पे ले आने का काम कोई किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसलिए इस बिल का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह आदिवासी समाज के लिए जो कर्नाटक के लोग हैं वो अपने आप को अलग महसूस करते थे, उनके लिए ले आया गया है। और इसका मैं जो बेटा कुर्बा है उनके जो अब इससे न्याय मिलेगा, कम से कम 5,000-7,000 वहाँ लोग लगते हैं, उनको न्याय मिलेगा, मैं इसका समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।